नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो एशिया कप 2023 का महामुकाबला इंडिया वर्सेस पाकिस्तान कल यानी कि 2 सितंबर को श्रीलंका के कैंडी में खेला जाएगा और इस मुकाबले का सभी फैंस को बेसब्री से इंतजार है। इस मुकाबले में आपको एक्शन, ड्रामा, थ्रिलर और पावर देखने को मिलेगा और इस मुकाबले में अब 24 घंटे से भी कम का समय बचा हुआ है। कल 2:30 बजे से ये मुकाबला शुरू होगा और इंडिया वर्सेज पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो राइवलरी है वो आपको देखने को मिलेगी। लेकिन इस मुकाबले से ठीक पहले कप्तान रोहित शर्मा ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तो क्या कुछ कहा है रोहित शर्मा ने इस प्रेस रिलीज में बताएंगे आपको इस वीडियो में। लेकिन अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, साथ ही वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए बताते हैं आपको कि आखिरकार रोहित शर्मा ने इंडिया वर्सेज पाकिस्तान के मैच से पहले क्या कुछ कहा। एशिया कप 2023 का महामुकाबला कल खेला जाएगा, लेकिन उससे ठीक पहले कप्तान रोहित शर्मा ने अपनी तैयारियों को लेकर कहा कि हम पूरी तरीके से तैयार हैं। जसप्रीत बुमराह की वापसी हो चुकी है, श्रेयस अय्यर भी वापस आ चुके हैं, हमारी पूरी टीम तैयार है। और रोहित शर्मा ने पाकिस्तान टीम को लेकर कहा कि पाकिस्तान क्योंकि वनडे की नंबर वन टीम है, उनकी बेस्ट बॉलिंग लाइनअप है, दुनिया की बेस्ट बॉलिंग है और उसके सामने मुकाबला जीतना आसान नहीं होगा। हमारे लिए ये एक बड़ी चुनौती है, लेकिन हम पूरी तरीके से तैयार हैं। पाकिस्तान की चाहे वो गेंदबाजी हो चाहे वो बल्लेबाजी हो, पाकिस्तान एक मजबूत टीम है, उनको हराना इतना आसान नहीं होगा, लेकिन हमारी टीम भी तैयार है और हमने पूरी तैयारी की है। रोहित शर्मा ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कहा है कि पाकिस्तान को हराना आसान नहीं है। पाकिस्तान के पास बेस्ट बॉलिंग लाइनअप है, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रौफ, नसीम शाह, उनके पास बेस्ट बॉलिंग लाइनअप है और उनकी बल्लेबाजी भी अच्छी है और वनडे की नंबर वन टीम है और पाकिस्तान को हराना एशिया कप 2023 के इस महामुकाबले में आसान नहीं है, लेकिन हमने भी पूरी तैयारी कर रखी है। हम भी पूरी तैयारी के साथ उतरेंगे मैदान पर और अपना बेस्ट देंगे और इस मुकाबले को जीतेंगे। क्या लगता है आपको कि एशिया कप 2023 का महामुकाबला इंडिया वर्सेज पाकिस्तान का ये मुकाबला कौन जीतेगा, कौन सी टीम ज्यादा मजबूत है, इंडिया या पाकिस्तान? इंडिया के पास रोहित शर्मा, विराट कोहली, शुभमन गिल हैं, तो वही पाकिस्तान के पास फखर जमान, इमरान और बाबर आजम है। तो वही बात करें गेंदबाजी की तो पाकिस्तान के पास हारिस रौफ, नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी हैं, तो इंडिया के पास जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी और मोहम्मद सिराज हैं। क्या लगता है आपको कि कौन सी टीम जीतेगी इस महामुकाबले को, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। फिलहाल इसी वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।